दोस्तों TRS हिंदी का हाईलाइट चैनल TRS क्लिप हिंदी में आपका स्वागत है सीखिए एंजॉय कीजिए कभी पॉडकास्ट किया आपने मैं करता हूँ ओके okay. पॉडकास्ट uh, मैं कैसे करता हूँ कि आई जस्ट मैं जब कंपनी में साइज इतना बड़ा जाता है देर वॉज अ टाइम आई यूज टू मीट एवरी बडी इन पर्सन सबसे मिलता था इंट्रा कंपनी पॉडकास्ट इंट्रा खुद की कंपनी के लिए हाँ ओके okay. अपना कैसे मैसेज पहुँचाऊँ लोगों के पास सो इनिशली आई टू रिकॉर्ड उनको भेजता था तब मुझे लगा रिकॉर्डिंग से बात जमती नहीं है ऑडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ सो इट शुड बी ऑडियो वीडियो सो आई पैड सामने रखा लाइट ऑन करी एंड स्टार्ट टॉकिंग कितने लोग काम करते हैं आपकी कंपनी में ट्वेंटी टू थाउजेंड वाह बहुत बेसिक सवाल पूछूंगा पुता? कैसे मैनेज कर दो तो? लोगों को मैं कुछ मैनेज नहीं करता पीपल मैनेज आप अब ऑन डेली क्या क्या काम करते Day -day क्या काम डे डे टू ये चेक करता हूँ कि कंपनी के अंदर कैसा कल्चर है आई मीट टॉप हेड्स नंबर वन कितने से रोज ही बात करता हूँ uh, बहुत फ्रिक्वेंटली मिलता हूँ और uh, कभी एक डिपार्टमेंट में जाके बातें कर ली कपे मार ली कभी दूसरे में चले गए कभी तीसरे में चले गए कभी चौथे में चले गए आई कंसिडर माई सेल्फ गेट कीपर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जब आई एक बार आप अपनी पावर अपने लीडर्स को डेलीगेट कर देते हो देन यू आर सपोज टू ट्रस्ट दैम लेकिन उनसे मिलते रहना होता है और मैनकाइंड uh, के अंदर हम ऐसा मानते हैं बिकॉज वी आर ओन एक्सपेंशन भी बहुत आगे बढ़ रही है तो आप शुरू में हमारी फ़िलासफ़ी क्या थी कि सिर्फ अपने ही मैनकाइंडियंस uh, को हम प्रमोट करते थे मतलब मैन कांड uh, लोग काम करते हैं डे वन से हमने हमारी कंपनी में क्या है कि टारगेट्स नहीं है सेल्स फार्मा कंपनी नो टारगेट्स तो सेल कैसी होती है हर चीज अटैच है उनके इंसेंटिव है आप जितना करेंगे आपको मिल जाएगा इट्स योर चॉइस और हर आदमी को ज्यादा पैसा कमाना है पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल आप उसके नीचे नहीं आ सकते आपको काम करना पड़ेगा ओके okay. मैं आपके साथ एज अ पॉडकास्टर बात नहीं कर रहा तो डोंट माइंड सम ऑफ द रूड क्वेश्चन मैं बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा पर ये मैं सिर्फ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि भारत भी सीखे इस कॉन्वर्जेसन के थ्रू जो आपने कहा कि आपका एक अपर लेवर ऑफ लीडरशिप है जो बेसिकली कंपनी का अलग अलग वर्टिकल्स चला रही है हाँ जी आप उनसे बस बात करते हो डैट्स योर रोल नाओ अब उनको मैनेज कर दो इन सम वेज आई एम श्योर उनको मैंटरिंग देते हो और वो बेसिकली कंपनी को ड्राइव कर रहे हैं कंपनी की ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं आई एम श्योर की एज अ फाउंडर आपकी खुद की भी क्रिएटिविटी होगी तो आप आइडियाज दोगे लोगों को एम आई राइट इन सेंग दिस कभी भी आप सिर्फ एक साइलो में रह कर हेड ऑफिस पर रह कर लोगों से बात करके कभी आइडियाज नहीं दे सकते यू नीड टू गो टू योर पीपल एज वेल तो आप सिर्फ मैं सिर्फ उन लोगों से नहीं मिलता जो हेड्स हैं जी। मैं उनके नीचे के लोगों से बहुत मिलता हूँ आई एम इन टच विद एवरी बडी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मीटिंग हुई तो उसमें चले गए ओके कॉमन मीटिंग है जिसके अंदर सब लोग बैठे हुए हैं जूनियर सीनियर्स एवरी बडीज स्पेंड फ्यू आवर्स एंड यू गेट सो मच ऑफ आइडियाज ओके क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है ये कहीं कोने में बैठ कर नहीं मिलती जब आप ऑपरेशन में जाते हैं लोगों से मिलते हैं बातें करते हैं इन पर्सन बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है क्योंकि लोग जो चीज बहुत छोटी मानते हैं पता नहीं कितनी बड़ी है वो और ज्यादातर आइडियाज नीचे से ही आते हैं आ, थोड़ा सा फिल्टर हो जाते हैं अगर आपको फर्स्ट लाइन मैनेजर देगा तो अपना ऐड करेगा hmm. सेकेंड लाइन देगा तो डबल फिल्टर उसके ऊपर तो ट्रिपल फिल्टर सो नथिंग रॉन्ग इन मीटिंग पीपल हमेशा मिलना चाहिए हमेशा मिलता हूँ मैं लोगों से सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि आ, ये बड़ी मेटलिस्टिक दुनिया है जब हमारे पास कुछ भी नहीं था मैनकाइंड का एट्रीशन रेट तब भी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में मिनिमल था हाफ से भी कम था जितना इंडस्ट्री का है उसका भी आधे से आधा उसका रीज़न है मतलब लोग छोड़ के नहीं जाते नहीं जाते छोड़ के क्यों नहीं जाते आपको अपनी लाइफ में जो आपके पास ज़्यादा होता है वो देना पड़ता है टाइम प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट पैसा सिर्फ पैसा देने से कुछ नहीं होता उतना अच्छा आपके कंपनी के अंदर एनवायरमेंट होना चाहिए कंड्यूसिव पॉजिटिव उनको लगे कुछ हो रहा है उनका पार्टिसिपेशन है उनका कंट्रीब्यूशन है जब तक वो कंट्रीब्यूशन उनको नहीं लगेगा कुछ नहीं होगा सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता क्योंकि लोग सिर्फ हाथ और दिमाग से काम नहीं करते दिल से काम दिल करते। से काम करते हैं Uh, जो भी आदमी हमारी कंपनी में आता है और फॉर एग्जांपल कोई भी आता है तो मैं पूछता हूँ तुम क्या करोगे अच्छा आगे फॉर एग्जांपल एच आर हेड आए फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेटजी हेड आया अभी रिसेंटली तो मैंने उससे पूछता हूँ क्या करोगे आप तो ही स्टार्ट काउंटिंग इज़ ये मैं करूँगा ये स्ट्रेटजी लाऊँगा वो स्ट्रेटजी लाऊँगा ये वाला काम करूँगा तो मैं क्या बोलता हूँ तीन महीने तक आपने कुछ नहीं करना आपने लोगों से दोस्ती करनी है मत करना बिल्कुल भी आप अपनी एडवाइज अपना ज्ञान किसी को मत देना किससे सीखते हो किसकी सुनते हो इसको पसंद करते हो इससे मोहब्बत करते हो दोस्ती तो है नहीं तो आपकी कौन सुनेगा hmm. जो दिमाग का पे जो रास्ता है ना दिल से जाता है इफ यू लाइक समबडी, यू लव समबडी, मेरा पता लाइफ में मानना क्या है प्यार हमेशा जीतेगा दिमाग के ऊपर दिल की जीत हमेशा होगी दिल हमेशा जीतेगा दिमाग के ऊपर कभी भी देख लीजिए आप प्यार में मोहब्बत में बिजनेस में कहीं पर भी टू गाइज आर देयर वन इज गिविंग यू समथिंग एट सी हंड्रेड रुपीज़ सेकंड इज गिविंग यू वन हंड्रेड वन रुपीज़ और टू रुपीज़ वो तुम्हारा दोस्त है उसको दस तो यार क्या फ़र्क पड़ता है दो रुपये का तो फर्क है बिकॉज यू ट्रस्ट ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है लोगों का ट्रस्ट जीतना बहुत जरूरी है लीडरशिप uh, के अंदर कमिटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने मैंने आपको कमिटमेंट किया ये होगा तो होगा कुछ भी हो जाए दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब मेरी एज के थे आप क्या कर रहे थे तीस साल का उस मैंने जब मैं उन्नीस साल का था मैं इस प्रोफेशन में आया तो मेरे भाई ने मुझे दो शर्तों पे बोला कि आप इस प्रोफेशन में आइए आपको तीस दिन काम करना है महीने में कोई छोटे नहीं मतलब संडे को भी संडे को भी तो मैंने नेगोशिएट किया ट्वेंटी एट डेज काम करूँगा सेकंड कंडीशन क्या थी कंपनी में काम करने की साढ़े आठ बजे के बाद घर पे नज़र आना और दस बजे से पहले वापस मताना नौ साल लगातार सौ पैंसठ दिन मैंने ऐसे काम किया आपकी उम्र में शादी होने के बाद कैसे काम किया आई वॉज मैरिड एट ट्वेंटी सिक्स ईयर्स ऑफ यू माई एटीन डेज आउट ऑफ माई होम टाउन ट्रैवलिंग गोइंग इन एवरी सिटी इन नुक इन कॉर्नर बैग लेके जाना कंपनी को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे आप कैसे लेके जाओगे हर एक स्टेट के अंदर ऐसे आप क्रिएट करोगे नेटवर्क यू गो टू एवरी एवरी प्लेस छोटे से छोटा शहर बड़े से बड़ा शहर उसमें गया बहुत लंबे साल तक उस उम्र में ये करता था कुछ नहीं करता था सिर्फ काम करता था एक जेंजी सवाल पूछना है पूछो जेंजी जानते आप हाँ हाँ जानता हूँ ओके आपकी मेंटल हेल्थ कैसी थी तब दिखता नहीं था कुछ भी वेरी हैप्पी फुर्र फुर्र एग्जीक्यूशन चार्जड आप और होता कैसे है कि आपको सक्सेस आफ्टर टाइम इन आ गेटिंग सक्सेस उसका जो एक एडलिन है जोश है ना उसका एंथू है वो कमाल का होता है आ, बहुत ही पैशन आज भी है कुछ नजर नहीं आ, आता था लोग लग, बोलता आपने बड़ी मेहनत करी मुझे तो लगा नहीं कभी मजा आ रहा था मजा आ रहा था जब मजा आता है ना तभी होता है इस स्केल का काम होता है मतलब अगर, अगर आपको कुछ उखाड़ना है जिंदगी में तो पहले मजे करो मजे का मतलब आप जिस काम के अंदर हैं इफ यू गेट ए राइट वर्क एंड यू स्टार्ट इंजॉइंग इट हम बोलते हैं ना हार्ड वर्क मैं बोलता हूँ हार्ट वर्क एच ई आर टी जिस काम जी हार्ड से कुछ नहीं होता धक्का hmm. मार के आपको बाहर निकाल दें कुछ नहीं होगा बट वंस यू स्टार्ट लविंग योर जॉब इसका मजा लगे ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना बाकी के वीडियोस भी देखिए बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं टी आर एस क्लिप्स हिंदी पर आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए आपके लिए बनाएंगे दोस्त